नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरांश। तो अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ और अब लंच करूंगा। ये महाशय भी स्कूल से आ गए, अभी हम लोग तैयार होकर लंच करेंगे और मम्मी जी हमें देंगी लंच। मुझे लगा मैं डराऊंगी। नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरांश। तो अभी मैं स्कूल से आ गया हूं और यहां ये चल रही है इसकी। तू मैं मटका उस दिन लिया था तो अब आज मैंने इसका पानी चेंज किया है और इसको धोया है। इसमें पानी थोड़ा सा था तो मैंने इसको धोया है। और धोने का मतलब ये है कि इसको बाहर से और पूरा अंदर से मैंने साफ कर दिया है। हाथ साफ करने का मतलब ये नहीं छूने से मांज दिया, अंदर घुमा घुमा के धो दिया, नहीं। इसको बाहर से अच्छे से जैसे से हाथ से धोया, लेकिन अंदर से उस पानी जैसे नल चला के और मैंने इसको अंदर से ऐसे ऐसे हिला हिला के घुमा घुमा के इसको मैंने धो दिया है। और दो बार अच्छे से धो दिया है ऐसे और इसका पानी निकाल दिया। अब एक बार थोड़ा सा मैं जो मेरा आर ओ का पानी है, पीने का पानी है, उसको डाल के दो ग्लास से ऐसे करके घुमा के फिर वो निकाल दूँगी और साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और मैंने ये जिस पर मटका रखते हैं ये भी अच्छे से धो दिया है, इसको भी, और इससे जो मटका ढका है ये भी धो दिया है। तो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ये मटका अपना धो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी हम लोग पीने का पानी भरते हैं तो इसको, इसकी भी सफाई हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको भी मैंने आज लिया कि वॉश कर देते हैं, पानी चेंज कर। जो चिमनी की ट्रे होती है जिसमें ये ऑयल आता है इधर ये निकल के, तो मैंने ये इसको निकाल ली और आज मैंने इसको भी क्लीन कर दिया। ये पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है अब इसको। और ये ट्रे है इसकी, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। ट्रे तो ये 2 दिन बाद निकाल के ही साफ़ करते हैं, पर नहीं, मुझे 1 हफ़्ता हो गया था तो मैंने साफ़ नहीं किया था। और ये निकाला तो इसमें मतलब ऑयल था, तो ये ना 10 दिन में अगर ये साफ़ होती रहें तो इसमें इतना ऑयल नहीं जमता, नहीं तो अदरवाइज़ इतना इनमें ऑयल भर जाता है ना बहुत मुश्किल से। जो ये जो अंदर ये स्ट्रिप्स होती हैं ना इसकी, ये इनके अंदर जो ऑयल भरता है वो बाई गॉड बहुत मुश्किल से निकलता है। और तब भी थोड़ा थोड़ा जगह जगह ना हल्का सा ये वो है, लेकिन फिर भी बहुत क्लीन हो गई है। ये कुछ नहीं करा मैंने, गर्म पानी में लेके सर्फ़ डाल दिया और अच्छे से घिस दिया, साफ़ कर दिया, तो ये साफ़ हो गई है। पर लेकिन ये है कि मेहनत लगी है, अगली बार से और जल्दी इसको साफ़ कर दिया करूँगी। बट ये ट्रे तो मेरी साफ़ होती रहती है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये हम इसमें ऐसे ये फिट कर दूँगी और फिट करने के बाद ये नीचे ट्रे लग जाती है इसमें, तो सारा जो ऑयल होता है ना एक्स्ट्रा ऑयल वो इस ट्रे में ही आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। तो ट्रे अगर हम 2 दिन में साफ़ करते हैं और इसको वीकली कर दें तो इतना इसमें ऑयल नहीं जमेगा। अब ये मैंने इसमें सेट कर दी, अब हम ये दूसरी ट्रे भी इसमें ऐसे सेट कर देंगे। थोड़ा सा मशक्कत से जाएगा ये, एक्चुअली मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई ना तो ये थोड़ा दिक्कत से जा रहा है, अदरवाइज ये इजीली लग जाता है। मैं लगाती हूँ उसको, ये लग गई मेरी दोनों ट्रे। और यहाँ पर इनका ये लॉक है, जो ऐसे घुमा दो लग जाता है। अब ये ट्रे इजीली इनमें ऐसे ऐसे इसमें बस फिक्स हो जाएगी। ये ट्रे इसमें ऐसे लग गई, तो सारा जो ऑयल होता है ना पहले इस ट्रे में आता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो इनमें होता है वो जमता है। मैं भी अभी आ गया हूँ ट्यूशन से आते ही, मतलब मेरे को इतनी भूख लगी थी कि मैंने खा लिया है कुछ। तो हमारे घर में आज बनी है 3 तरीके की मिठाई। एक तो आटे के लड्डू बनाए थे मम्मी, पर वो आटे की पंजीरी बन गई और कसम से बहुत स्वादिष्ट है सच। मैं आप सबको दिखा दूँ, 3 तरीके की मीठी मीठी चीज़ बनाई है मम्मी ने। तो ये रही आटे की पंजीरी,
और भाई साहब कसम से बहुत ज्यादा स्वाद है। इसमें घी और डलता तो फिर ये आटे के लड्डू बन जाते। इसमें अब भी घी बहुत है, अब भी बहुत घी है भाई, पूरा घी पिलाया है। मेरी 2 महीने की रोटी का घी मम्मी ने इकट्ठा इसी में डाला है। मम्मी और प्रकार कहाँ हैं आपके, दिखाएं जरा इन डब्बों में। मैंने इसमें बनाई वो सूजी वाली पंजीरी, सूजी वाली पंजीरी, सूजी। अब मम्मी ये बताएं, मैंने इसमें बनाया है सूजी का वो सूजी का नहीं, सॉरी खोए की बर्फी। क्या बात है। और गाइज मैं आप सबको ये राज बता दूं कि मम्मी इतनी अच्छी चीजें कैसे बना लेती, क्योंकि मम्मी के जो दादाजी थे, बता चुके हो आप? मैं बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं बताया कि नहीं, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। वो हलवाई थे, तो मम्मी की ना जीन्स में हलवाईपन। अरे हाँ, और सच में मम्मी ये वाली मेहंदी आपके बालों पर रिएक्ट कर गई है, सही बताऊँ तो। अभी वर्कआउट खत्म करके मैं नहा लिया हूँ। आज वर्कआउट में मैंने शोल्डर का वर्कआउट करा, लेग्स का करा, और थोड़े से मतलब ऐसी नॉर्मल जो फैट लूज के लिए होता है वो करा, फिर बाइसेप्स का थोड़ा सा और ट्राइसेप का थोड़ा। हाँ आई नो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना चाहिए, पर भाई थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, बिल्कुल ये नहीं कि सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा कर रहा हूँ, बिल्कुल बिगनर, अभी बिगनर चल रहा है। खीरा ले लिया, चलो भाई सब टीवी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद खाना खा के स्कूल का थोड़ा काम करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो इन महाशय को बहुत जल्दी चीज़ें याद आती हैं। इनके स्कूल में कल इन्हें प्रोजेक्ट देना है अर्थ डे का, कल अर्थ डे है ना, इसलिए तो भाई लगो पूरे दिन भर तो इन्हें याद नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से बनाना, तुम होंगे कामयाब एक दिन, हमें पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। और मम्मी जी यहाँ पे हमारा खाना लगाने वाली हैं, मसूर की दाल और गरम गरम चावल। ओहो हो हो, क्या मजा ही मजा। कसम से भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं चावल, मम्मी थोड़ा सा ही देना, ज़्यादा मत देना, हाफ प्लेट। मम्मी जी का खाना बनाने में आजकल मन नहीं लग रहा है। सुबह आलू की सब्जी में नमक नहीं था, अब दाल में नमक नहीं डाला, पता नहीं क्यों, कैसे भूल रही हूँ नमक को मैं। तो मैं यहाँ पे दाल टेस्ट करने के लिए मैंने देती है, ऊपर से नमक डलवा लिया। भाई यहाँ पीनू की चल रही है ड्राइंग, और कल अर्थ डे पर उसने एक अच्छा सा ड्राइंग बनाया है। हाँ पीनू, पोस्टर, हाँ ड्राइंग करी है आपने, पोस्टर ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है, एक दो मैम ने बोला थोड़ा 90% डन करके आना है, तो मैंने तो 95-96% डन कर दिया है। मैम ने बोला था कि मैं जिन दिनों और सेंड कर दूंगी, और प्रिंसिपल मैम के पास ये सारे जाएंगे। ऐसे कर इसको अपने फेस की तरफ करके दिखाओ, ऐसे अभी आप इसे कंप्लीट कर रहे हो। और इसमें मतलब क्या है ये सेफ का, देखो गाइस थ्री टॉपिक्स हैं। पहला है सेव अर्थ, यहाँ पे गलती से मैंने वाटर लिख दिया था, तो मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी करके स्केच पेन और ग्रीन कलर के मिक्सचर बना दिया। फिर है सेव वाटर, पानी बचाओ गाइस, आप भी वेस्ट मत करो, और प्लांट मोर ट्रीज गाइस, सेव अर्थ में ट्री जरूर प्लांट करना, और सेव अर्थ सेव ट्रीज, ऑक्सीजन मिलती है उसको सेव करना बहुत जरूरी है, और रिड्यूस रीयूज रिसाइकल तो सबको पता है। फिर क्या कह रहा है सारा? मैं ये कह रहा था कल सुबह जल्दी उठना है स्कूल के लिए, तो कह रहा था कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर मैंने इससे कहा ठीक है मैं इससे मैसेज करूँ, मैं पापा को इसके मैसेज करने लगी कि सारांश वगैरह जा रहा है ना। यार मम्मी कल एक भी पीरियड नहीं है, बायो के दो दो पीरियड हैं। तो बायो नहीं पढ़नी है क्या? अरे पढ़नी है तो एक एक पीरियड, तो इसको भी चैन नहीं है दे रहे, एक पीरियड में भी हम इतना पढ़ लेते हैं कि भाई नींद आ जाती है, ये कोई बात नहीं है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जो चैप्टर डिलीट हो गया मैं वो क्यों लिख रहा हूँ? अभी तो आप ही जानो, मैं मैम से कह दूंगा, मैम ये तो डिलीट हो गया, अब लिखने का फायदा ही क्या? अच्छा मैम, बार इस ब्लॉग को एंड करने की, ब्लॉग को शेयर, ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, रिपीट अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो ठीक है, चलिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, कल सुबह एक नए तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ।